सुनिए इलेक्शन अपडेट। शब्द हैं दैनिक भास्कर राजस्थान के स्टेट एडिटर मुकेश माथुर के। धन बल और टीम हो, अपना चुनाव खुद जीतने की स्कीम हो, तो पधारो मारे प्रदेश। 72 घंटे हैं पार्टियों के पास, शायद चुनाव के सबसे खास 72 घंटे। फिल्म का वो 70 मिनट वाला डायलॉग हॉकी का मैदान चक देने के लिए था। यहां 72 घंटे 3 दर्जन बागियों को साम दाम दंड भेद लगाकर बैठ जाने को राजी करने के हैं। पार्टियों ने बकायदा डैमेज कंट्रोल कमेटियां बनाई थी, कुछ कंट्रोल नहीं कर पाई। अब तो दिल्ली से फोन ही करवाने पड़ेंगे। हिमाचल के चुनाव में कांगड़ा के बागी कृपाल परमार को फोन गया तो खबर बनी थी। राजस्थान में भाजपा में 19 और कांग्रेस में 16 सीटों पर गंभीर किस्म की बगावत है। कांग्रेस की इस बी लिस्ट में पूर्व गृह राज्य मंत्री, विधायक, पूर्व मेयर, पीसीसी महासचिव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर वरिष्ठ पार्टी नेता तक हैं। भाजपा में भी पूर्व मंत्री, विधायक, नगर परिषद सभापति, छात्र संघ अध्यक्ष इत्यादि बगावत की बारह खड़ी लेकर बाहर खड़े हैं। परिवार के जमे जमाए और संभावनाशील लोगों के टिकट काटने के पीछे पार्टी विनेबिलिटी यानी जीत की गुंजाइश को कारण बता रही है। ये आज की चुनावी राजनीति का सच भी है। पार्टी को निष्ठावान व्यक्ति नहीं, धन बल जन और ग्राउंड सोशल पर प्रोफेशनल टीम लेकर चल रहे अच्छे मैनेजर चाहिए। पार्टियां कहां एक एक प्रत्याशी को जिताती फिरेंगी, खुद व्यू रचना बनाए, साधन झोंके और जीत आए। स्वागत है भाजपा में ज्योति मिर्धा, गिराज सिंह मलिंगा, सुभाष महरिया, उपेन यादव, रामनिवास मीणा, ऐसी ही समर्थ लोग मानकर लाए गए हैं। कांग्रेस ने ओम प्रकाश हुडला, कर्नल सोना राम चौधरी, विकास चौधरी, इमरान खान में अपने बूते लड़ लेने की क्षमता देखी होगी। इस चुनाव में पक्का हुआ यह रुझान आगे तक चलेगा। व्यक्ति लड़ेंगे, पार्टी और उसकी विचारधारा सहूलियत का विषय होंगी। इधर टेलीविजन चैनलों के एक तरफा सर्वे परिणामों के बीच कांग्रेस मंगलवार से गारंटी यात्रा शुरू कर रही है। इस नाम की यात्रा दुनिया में कभी नहीं निकली होगी। पार्टी टीवी सर्वे को पूरी तरह पक्षपात पूर्ण और एजेंडा आधारित बताकर तैयारी में जुट गई है।